हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ, अब हमारे लिए कुछ और अच्छा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और आप सभी लोग हमें कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खासकर उन लोगों के लिए आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं जो भाई बहन लोगों को प्रार्थना की ज़रूरत है, जो कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं और आप सभी लोग लिखते हैं कि आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके लिए प्रार्थना किया जाए, और हम प्रार्थना करते भी हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके माध्यम से जिन बातों को अगर आप जान जाएंगे तो आपको और अधिक प्रार्थना का विषय भेजने में आपको आसानी भी होगी और आपके लिए हम प्रार्थना भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहली चीज आप याद रखिए दोस्तों, जब भी आप हमें कमेंट में प्रार्थना विषय लिख कर भेजते हैं तो एक काम जो आपको हमेशा करना है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि आप सबसे पहले अपना नाम लिखें, उसके बाद आप किस शहर से हैं उस शहर का नाम लिखें, और फिर आप लिखें अपने प्रार्थना का विषय कि आपके लिए हम क्या प्रार्थना करें, वो आप लिखकर भेजें। इससे क्या होता है कि जब भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, कई बार क्या होता है भाई बहन लोग प्रार्थना में सिर्फ इतना ही लिख देते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, तो हम प्रार्थना किसके लिए करें, आपका नाम हम नहीं जानते, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये हम नहीं जानते, तो हम खुलकर प्रार्थना नहीं कर पाते, हम फिर सिर्फ उतना ही विषय को बोल पाते जो लिखा होता है। अगर आप क्लियर लिखेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी आपके लिए प्रार्थना करने में, और परमेश्वर के सामने जब हम आपके विषय को रखेंगे तो हम बोल सकेंगे अच्छे से कि आपके लिए प्रभु इस प्रकार से काम करें। तो ये सब आपको करना है, आप जब भी प्रार्थना विषय लिखकर भेजते हैं, कमेंट में लिखते हैं, चाहे आप मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, इस तरह से आपको करना है। अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। आज मैं आपको एक ऐसे चैनल के बारे में बताऊंगा, YouTube चैनल के बारे में, जिस चैनल पर आप जा सकते हैं, प्रार्थना विषय के ऊपर वीडियोस वहां पर डाले जाते हैं। आप जाइए और वहां जाकर सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, जब भी उस चैनल पर वीडियोस आएंगे वो आपके मोबाइल में आपको दिख जाएगा कि हाँ, आज एक नया वीडियो आया है। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि जो भी चैनल अब मैं बताने वाला हूं, जिसका नाम मैं बताऊंगा और उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस चैनल पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उस चैनल में क्या है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, उस चैनल का नाम है यीशु जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, उस चैनल का नाम है यीशु जिंदा है, यीशु मसीह, जो मतलब उस चैनल का पूरा नाम है यीशु जिंदा है। ठीक है, आप जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात मैं आपको खुलकर बता दूं कि उस चैनल पर बहुत सारे बाइबल से रिलेटेड वीडियोस आप डाले जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो आपके आत्मिक उन्नति के लिए होगा, आप बाइबल सीख पाएंगे, बाइबल की बातों को सीख पाएंगे, सही शिक्षा ग्रहण पर कर पाएंगे, कैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, कैसे आप पवित्र आत्मा में बढ़ सकते हैं, कैसे आप बाइबल को पढ़ सकते हैं, किस तरह से आपको चर्च जाना चाहिए, कैसे आपके जीवन में काम होने चाहिए, कौन सा ऐसा काम है जो आपके जीवन में पाप को लेकर आता है, किस तरह से आप पाप में पढ़ते, ये सारी जानकारी आपको उस चैनल में वीडियोस के माध्यम से एक एक करके दी जाएगी। दिन ब दिन आते रहेंगे वीडियो और आप एक एक करके वीडियोस के बाद जो भी टॉपिक होगा वो आपको समझ में आता रहेगा सब। लेकिन उसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होने वाली उस चैनल में जो होगा वो ये होगा कि जो प्रार्थना विषय, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा भाई बहनों, जो प्रार्थना विषय आप लिखकर हमें भेजते हैं, हमारे कमेंट में भेजते हैं, चाहे वो आप हमारे इस चैनल पर भेजें, जैसे कि आपको पता है आप जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल है यीशु आने वाला है, आप इस चैनल पे भी अगर कोई कमेंट में प्रार्थना विषय लिखकर भेजेंगे, या यीशु जिंदा है चैनल जिसको आपको भी सब्सक्राइब करना है उस पर भी अगर आप लिख के भेजेंगे, आपके प्रार्थना विषय को जो भी प्रॉपरली लिखा होगा, नाम के साथ में, शहर के साथ में, और विषय बढ़िया से लिखा होगा, उन विषयों को पढ़ा जाएगा, उनके नाम के साथ प्रार्थना किया जाएगा और वीडियो बनाकर उस चैनल पर डाला जाएगा, ताकि बाद में आपको पता चल सके कि आपके लिए प्रार्थना हुआ है, किया गया है। ठीक है, तो आप जब भी प्रार्थना विषय लिखेंगे तो उस प्रार्थना विषय को हर हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार हम उसको स्टडी करेंगे, कितने सारे प्रार्थना आए हैं, फिर उसका प्रार्थना हम बैठ के करेंगे और वो सारी प्रार्थना रिकॉर्डिंग में होगी, हम प्रार्थना भी करेंगे और साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, जो कि आपको वहां पर डाला जाएगा और आपको पता चलेगा कि हमने आपके लिए प्रार्थना किया है। तो उस चैनल पे आपके लिए प्रार्थना भी किया जाएगा आपका नाम लेकर, इसीलिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और आने वाले दिनों में ये सारे वीडियोस उस पर आपको मिलेंगे। और आप सबसे एक अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों को, जो भी आपके मित्र हैं, आपके परिवार हैं वाले हैं, चर्च वाले हैं, आपके कलीसिया के लोग हैं, उन सबको भी हमारे चैनल के, दोनों चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम परमेश्वर का सच्चा वचन प्रचार कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का सच्चा वचन प्रचार हो, तो ज़रूर आप हमें, हमारे सपोर्ट करें, हमें मदद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम दूसरों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सके। तो दोस्तों, जो हमारा नया चैनल है, आपको मैंने बता दिया, यीशु जिंदा है ये चैनल है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए, चैनल को देखिए और वहां पर वीडियोस को भी वॉच कीजिए, और आने वाले दिनों में जो भी वीडियो वहां आएंगे, वो सब कुछ आपके आत्मिक उन्नति के लिए होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो याद रखिएगा, जो वीडियो का मकसद था वही है, आप तक ये खबर पहुंचाना कि हमने एक और नया चैनल जो हमारे मिनिस्ट्री की ओर से है, उस पर भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, अपने प्रार्थना का विषय लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए हम प्रार्थना कर सके। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही आशीष की जानकारी है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और भी लोगों के लिए, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का जो कलाम है वो पहुंच सके। और मैं विश्वास करता हूँ, जितने लोग इस पर व्यूज आ रहे हैं, मान लीजिए अभी अगर हमारे इस वीडियो के अंदर 20,000 व्यूज आते हैं, तो मैं विश्वास करूंगा कि 20,000 लोग सारे के सारे हमारे दूसरे वाले जो चैनल है, यीशु जिंदा है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं ये आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं और मानेंगे भी मेरी बात को। तो ऐसा ना हो कि आप लोग 20,000 लोग इस वीडियो को देख ले और वहां पर सब्सक्राइबर सिर्फ 200 हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको सब्सक्राइब करने में क्या होगा, आपको बटन ही दबाना, सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दूसरे लोगों तक वीडियो पहुंच पाएगा। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, परमेश्वर इसके लिए आपको आशीष देंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो, और आने वाले दिनों में हम लगातार वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें आपकी आत्मिक उन्नति हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहे। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।